अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अपनी वार्डरोब से अपनी समर कलेक्शन लाई हूँ, और ये भी लास्ट ईयर की मेरी स्टिच कलेक्शन है। आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ देने थे, तो मैं इसलिए अपने ही निकाल के ले आई। सी ग्रीन कलर की जो कॉर्ड शर्ट है, बोनांज़ा सतरंगी से परचेज़ की थी, लेकिन नीचे भी इसका फैब्रिक इस तरह का होता है। पाइपिंग की गई है। नेकलाइन है ये, गोटा पट्टी लगाई गई है। ये स्लीव है इसकी, इस डिज़ाइन में इस पे भी गोटा पट्टी लगाई गई है। नीचे टिश्यू का फैब्रिक लगवाया था मैंने। बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसका, स्मॉल से फ्लावर बने हुए हैं इसमें, कुछ बहुत ज़्यादा खिचड़ी वगैरह नहीं है प्रिंट में। ये देखें, अभी मैं आपको बता दूँ कितनी लाइंस लगाई हैं इसमें। 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइंस लगाई हैं। नीचे दामन पे भी एक अटैच करवाई थी और बैक पे भी, ताकि सेम लगे। और ये इसका दुपट्टा है, प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, और उसके ऊपर वही गोटे वाली लेस अटैच करवाई है। साथ में इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसका ट्राउज़र है, इस पर भी गोटे की 4 लाइंस लगाई गई हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी। ये देखें, इस तरह एक फैंसी सा भी टच आ रहा था। और ये मेरा देखिए, 2 बड़ी और 2 छोटी। ये मेरा फर्स्ट ड्रेस था जो बोनांज़ा सतरंगी का था, और ये जस्ट शर्ट आई थी 2300 में। ये सेकंड ड्रेस है, ये निशात लीलन का है, ग्रीन एंड पिंक कलर कॉम्बिनेशन के साथ। प्लेन पट्टियाँ लगाई गई हैं, देखिए 1 2 3 4 5। दोनों साइडों से हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं शर्ट पे अटैचमेंट इनकी। और 6 पट्टियाँ जो हैं वो बाज़ों पे लगी हुई हैं। बाज़ों के आगे जो लगाया हुआ है, वो साइड से जो फैब्रिक निकला था प्लेन इसका, सॉरी प्रिंटेड, वो अटैच करवाया था। ये देखिए, ये बॉर्डर पे भी वही वाली है जो स्लीव्स के आगे लगी हुई है। और ये साइड पे होता है शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक डिज़ाइनिंग के लिए। नीचे पिंक लगाई गई है पाइपिंग, क्योंकि बहुत कम फ्लावर है इसमें, और वो भी फ्लावर्स का स्प्रेड था, तो पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा और ये डिज़ाइन मुझे पसंद था। और ये दुपट्टा है प्लेन ही शिफॉन का, और पल्स की जो है लेस लगाई गई है। नेक दोनों साइडों से यही पाइपिंग की गई है, नेक पे, फ्रंट पे भी, बैक पे भी। और ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे कुछ नहीं करवाया, क्योंकि शर्ट पे सारे डिज़ाइनिंग करवा दी, तो ट्राउज़र पे मैंने कुछ नहीं करवाया, उसको एज इट इज़ रखा। और ये 2 पीस था, ये भी 2400 का। और ये थर्ड शर्ट है, ये गुल अहमद की है, एम्ब्रॉयडर्ड है इसका दामन सारा, फ्रंट का सारा पैनल।
बहुत ही कूल कलर कॉम्बिनेशन है। इसके नेक पे बीट्स लगाए गए हैं, ये स्लीव्स हैं इसकी, ये प्रिंटेड है और उसके आगे भी ये बार्स लगाए गए हैं। कॉम्बिनेशन सेम रखा नेक पे भी, दामन पे भी और स्लीव्स पे भी। ये दामन है इसका प्रिंटेड और उसके नीचे भी पर्ल्स लगे हुए हैं। अंदर जो है डार्क कलर की पाइपिंग की गई है शमोज़ के साथ। और ये 2000 की शर्ट आई थी। गर्मियाँ होती हैं तो ठंडे कलर पहने जाते हैं, उसी हिसाब से ये सारे कलर कॉम्बिनेशन है। और ये इसका ट्राउज़र है, बारीक प्लेट्स डाल के सीढ़ी लेस लगाई गई है। तीन बारीक प्लेट्स हैं, फिर सीढ़ी लेस, फिर तीन प्लेट्स, फिर सीढ़ी लेस। और ये लास्ट ड्रेस है, ये भी निचात लीलन का है। और इसका डिज़ाइन तो वैसे ऐसा था कि इसके ऊपर कुछ और डिज़ाइनिंग आ भी नहीं सकती थी। कैरियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर छोटी छोटी, और जो इसका नेक लाइन है ये हल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड है, नज़र आ रहा होगा आपको। और ये टू पीस आया था 3100 में, दुपट्टा एंड शर्ट। ये एम्ब्रॉयडरी का जो लाइट कलर है उस कलर की मैंने पाइपिंग करवाई थी। और मैं चाह रही थी कि जो स्लीव्स का आगे वाला पैनल है वो शोल्डर पे आ जाए, पर टेलर ने कहा कि वो सारा कट ऑफ हो जाएगा तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं। स्मॉल नेक है, ये इसका दुपट्टा है, जिस कलर की पाइपिंग है लाइट कलर की वही कलर कॉम्बिनेशन दुपट्टे में है, शिफोन का दुपट्टा था। टू पीस कलेक्शन थी, दुपट्टा एंड शर्ट 3100 में, निशात लीलन का। तो ये थी मेरी आज की कलेक्शन, आइए अब पिक्स देखते हैं।